हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज के स्टूडियो में हम गोदरेज वॉशिंग मशीन कंप्लीट वायरिंग किस तरह की जाती है सीखने वाले हैं। जिसमें हम सीखने वाले हैं गोदरेज वॉशिंग मशीन में हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स दिए गए होते हैं, उन कंपोनेंट्स की वर्किंग किस तरह से होती है, प्रॉपर कनेक्शन किस तरह किया जाता है, सब कुछ काफ़ी आसान तरह से सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम जान लेते हैं गोदरेज वॉशिंग मशीन में हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स दिए गए होते हैं। देखिए, हमारे पास सबसे पहले दो मोटर होती है, एक होती है वॉश मोटर, एक होती है स्पिन मोटर, और यह दोनों ही मोटर हमारे पास सिंगल फेज की होती है। जो वॉश मोटर होती है ये हमारे कपड़े धुलने वाले सेक्शन में होती है या वॉश वाले सेक्शन में होती है जहाँ पर कपड़े हमारे धुलते हैं, और जो स्पिन मोटर होती है इसे बेसिकली जहाँ पर कपड़े सूखने वाला पोर्शन होता है या कपड़े सुखाने वाला पोर्शन होता है वहाँ पर स्पिन मोटर कनेक्ट की जाती है, और यह भी सिंगल फेस की होती है। जो वॉश मोटर होती है उसकी रेंज थोड़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू स्पिन मोटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैपेसिटर हमें दिया गया है जो कि 10+4 माइक्रोफेरेट का है, और इसमें आपको चार तार नज़र आ रहे हैं। दैट मीन्स इसमें जो दो तार होने वाले वो वॉश मोटर के लिए होने वाले हैं और जो दो तार होते हैं वो स्पिन मोटर के लिए होने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर जो ज़्यादा रेटिंग के कैपेसिटर दिया गया होगा उसके ऊपर आपको दिया गया होगा 10 माइक्रोफेरेट के लिए दो वायर कौन से हैं और 4 माइक्रोफेरेट के लिए दो वायर कौन से हैं। तो जो 10 माइक्रोफेरेट के लिए दो वायर होने वाले हैं वो आपके वॉश मोटर में कनेक्ट होने वाले, और जो कम रेटिंग के वायर होने वाले हैं वो आपके स्पिन मोटर के लिए होने वाले हैं। इसकी रेंज डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकती है, 12, 5 भी हो सकती है। तो आप पहले चेक कर ले, जो ज़्यादा रेटिंग के कैपेसिटर के होने वाले हैं दो तार वो वॉश मोटर में कनेक्ट हो गए, और जो कम रेटिंग के दो तार हो गए वो स्पिन मोटर में कनेक्ट हो गए। इसके अलावा एक फ्यूज़ यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है, जो हमारा मेन फ्यूज़ आता है सबसे पहले फ्यूज़ में जाता है ताकि कहीं भी शॉर्ट सर्किट हो तो सबसे पहले हमारा फ्यूज़ बर्न हो जाए और हमारी पूरी कंट्रोल वायरिंग सेफ रहे। इसके अलावा एक बज़र दिया गया होता है, एक अलार्म दिया गया होता है। क्या होता है, जब भी हमारे कपड़े धुलने का टाइमिंग कंप्लीट हो जाता है, चाहे 15 मिनट हो, 25 मिनट हो या 45 मिनट हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग के टाइमर भी आते हैं। तो जैसे ही टाइमर कंप्लीट हो जाता है तो उस हिसाब से बजर हमारा बजने लगता है जिससे हमें इंडिकेशन मिलता है हमारे कपड़े धुल चुके हैं। एक डोर स्विच होता है हमारे पास। देखिए, जो डोर स्विच का मेन काम होता है वह स्पिन मोटर को कंट्रोल करने के लिए होता है। देखिए क्या होता है, डोर स्विच यदि आपने स्पिन वाले सेक्शन में देखा होगा तो जब आपका डोर स्विच खुला हुआ होता है जहाँ पर कपड़े हमारे सूखते हैं वहाँ पर, यदि हमारा डोर स्विच या उसका डोर खुला हुआ होता है तो उस कंडीशन में कभी भी हमारी स्पिन मोटर रन नहीं करेगी। हमारी स्पिन मोटर तभी रन करेगी जब हमारा डोर बेसिकली जो सूखने वाला पोर्शन है वहाँ पर डोर जब बंद रहेगा तभी हमारी स्पिन मोटर वर्क करने वाली है। इसके अलावा डोर स्विच का मेन काम यही होता है स्पिन मोटर को कंट्रोल करने, क्योंकि क्या होता है वहाँ पे हमारी स्पिन मोटर की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। इस कंडीशन में यदि हम डोर को खुला रख देते तो जो उसका बेसिकली सर्फ और जो पानी होता है वो बाहर आ सकता है, इसलिए डोर स्विच से हम कनेक्शन करते हैं स्पिन मोटर का ताकि हमारी स्पिन मोटर तभी रन करे जब हमारा डोर क्लोज हो। इसके अलावा एक ड्रेन स्विच होता है हमारे पास, इसमें इलेक्ट्रिकल कोई काम नहीं होता है, मैकेनिकली ऑपरेट ये ड्रेन स्विच होता है। इसके अलावा एक स्पिन टाइमर होता है जो कि हमारे स्पिन मोटर को कंट्रोल करता है, और इसमें हमारे पास दो तार दिए गए होते हैं, देख सकते हैं आप। ये 15 मिनट के लिए भी होता है, 25 मिनट के लिए भी होता है। ये एक हमारे पास वॉश टाइमर होता है। देखिए, वॉच टाइमर आपके पास 4 वायर भी आता है, 6 वायर भी आता है और 7 वायर भी आता है, बट नॉर्मली जो गोदरेज वॉशिंग मशीन होती है उसमें आपको 6 वायर वॉच टाइमर दिया गया होता है। सबसे पहले हम 6 वायर वॉच टाइमर में वायर की वर्किंग समझ लेते हैं किस तरह से किस वायर का क्या फंक्शन होता है। तो देखिए, इसमें कलर कोड के हिसाब से 4 तार 6 तार आते हैं, जो इसमें ब्लैक तार होता है वो आपका कॉमन होता है जिसमें आपको न्यूट्रल कनेक्ट करना होता है, एक जो ग्रे तार होता है इससे न्यूट्रल आपके अलार्म में जाता है। देखिए, ये कॉमन तार हो गया ब्लैक, इसमें न्यूट्रल आने वाला है, ग्रे तार आपका अलार्म के लिए न्यूट्रल होने वाला है। यहाँ पर आपको ब्लू एंड पर्पल तार नजर आ रहे हैं। देखिए, ब्लू एंड पर्पल ये जो दो तार होने वाले हैं ये आपके वॉश मोटर में जाने वाले हैं, क्योंकि वॉश मोटर की वर्किंग क्या होती है, एक बार हमारी मोटर क्लॉकवाइज घूमती है, एक बार एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, तो ये दोनों डायरेक्शन के लिए होने वाले हैं। आप इसे किसी भी साइड कनेक्ट कर लीजिए, दोनों तार को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो ये पर्पल एंड ब्लू तार हमारी वॉश मोटर में जाने वाले हैं,
ये बेसिकली जो येलो तार होता है इसमें हमारा फेज आता है, जो मेन फेज हमें इसमें येलो तार में कनेक्ट करना होता है। एक यहाँ पर आपको या तो रेड तार दिया गया होगा या पिंक तार दिया गया होगा। तो ये जो तार होता है ये आपके अलार्म के लिए फेज होने वाला है। देखिए फिर से एक बार, ब्लू ब्लैक हमारा कॉमन हो गया, जो ग्रे हो गया ये न्यूट्रल अलार्म के लिए हो गया है, जो यहाँ पे पर्पल एंड ब्लू हो गया वो आपकी वॉश मोटर के लिए हो गया है, जो येलो तार हो गया है इसमें आपका फेज आने वाला है, यहाँ पे ये पिंक और जो रेड तार होने वाला है अलार्म के लिए फेज होने वाला है। चलिए अब हम सीख लेते हैं प्रॉपर कनेक्शन किस तरह किया जाता है। देखिए हमारे पास फेज, न्यूट्रल एंड अर्थ, हमारे पास तीन तार आते हैं। सबसे पहले अर्थिंग की कनेक्शन की बात की जाए तो हमें सबसे पहले स्पिन मोटर की बॉडी में एंड वॉश मोटर की बॉडी में इन्हें कनेक्ट कर देना है अर्थिंग के तार को, ताकि जब भी कोई लीकेज करंट हो तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो भी लीकेज करंट है वो ग्राउंड हो जाए। तो देखिए अर्थिंग के दोनों तार को हमने दोनों मोटर की बॉडी पे कनेक्ट कर दिया, इतना ही इसकी वर्किंग होती है। अब हम न्यूट्रल के कनेक्शन सीख लेते हैं, न्यूट्रल हमें कहाँ कहाँ पर देना होता है। तो देखिए जो स्पिन मोटर होती है, स्पिन मोटर में हम न्यूट्रल कंट्रोल करते हैं डोर स्विच से और स्पिन मोटर में, ताकि क्या होता है, देखिए डोर स्विच में पानी होता है, यदि हम यहाँ पे फेस की कंट्रोलिंग करें तो उस कंडीशन में करंट आ सकता है, शॉक लग सकता है। तो इसलिए डोर स्विच से हम न्यूट्रल लेते हुए स्पिन टाइमर से होते हुए हमारी स्पिन मोटर में न्यूट्रल कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा हमें वॉश मोटर में न्यूट्रल कनेक्ट करना होता है। इसके अलावा यहाँ पे हमें इस टाइमर में भी न्यूट्रल कनेक्ट करना होगा, वॉश टाइमर में। तो चलिए सबसे पहले हमारा न्यूट्रल आने वाला है और इसे हमें डोर स्विच में कनेक्ट कर देना है, ताकि डोर स्विच से होता हुआ, स्पिन टाइमर से होता हुआ हमारी स्पिन मोटर में जाएगा। इसका कनेक्शन हम आगे चलकर देखने वाले हैं। सबसे पहले न्यूट्रल हमने डोर स्विच में कनेक्ट कर दिया है, इसी न्यूट्रल को ले जाकर हमें वॉश मोटर में कनेक्ट कर देना है। देखिए वॉश मोटर में न्यूट्रल हमारा आ चुका है, इसके अलावा हमारे पास वॉश टाइमर में भी न्यूट्रल कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमारा न्यूट्रल वॉश टाइमर में भी आ चुका है। तो आप देख सकते हैं न्यूट्रल की वायरिंग यहाँ पर हो चुकी है। अभी हमें अलार्म में भी न्यूट्रल कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे जो ग्रे तार होता है उसे आपको अलार्म में के किसी भी एक वायर में कनेक्ट कर देना, क्योंकि सिंगल फेस का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अलार्म में हमने ग्रे तार यहाँ पे दे दिया है। तो आप देख सकते हैं न्यूट्रल का कनेक्शन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अभी हमें स्पिन मोटर में भी न्यूट्रल कनेक्ट करना। चलिए कैपेसिटर का कनेक्शन हम सीख लेते हैं। कैपेसिटर में आपको चार तार दिए गए हैं, और जैसा कि हम जानते हैं कैपेसिटर के जो दो तार होते हैं हम स्टार्टिंग और रनिंग में कनेक्ट करते हैं। तो ये मोटर में जो ब्लैक तार होने वाला ये कॉमन होने वाला है, यहाँ पर जो ब्लू तार होने वाला है ब्लू तार हमारा स्टार्टिंग होने वाला है, और जो रेड तार होने वाला है ये रनिंग होने वाला है। दोनों मोटर में सेम है, ब्लैक यहाँ पे कॉमन, ब्लू यहाँ पे स्टार्टिंग एंड रेड यहाँ पर रनिंग होने वाला है। तो देखिए हमें क्या करना है, कैपेसिटर के दोनों तार को एक को स्टार्टिंग में कनेक्ट करना है, एक को रनिंग में कनेक्ट करना है। पहले को हमने ब्लू स्टार्टिंग में कनेक्ट कर दिया, दूसरे को हमने स्पिन मोटर के रनिंग में कनेक्ट कर दिया। सेम कनेक्शन हमें वॉश मोटर में करना है। यहाँ पर एक तार को हमें लेना है और इसे हमें स्टार्टिंग में कनेक्ट कर देना है, और एक तार को हमें रनिंग में कनेक्ट कर देना है। आप किसी भी तार को स्टार्टिंग और किसी भी तार को रनिंग में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बट कैपेसिटर को हमेशा स्टार्टिंग एंड रनिंग में कनेक्ट किया जाता है। तो दोनों मोटर में हमारे कैपेसिटर का कनेक्शन हो चुका है। चलिए अब डोर स्विच एंड स्पिन टाइमर का कनेक्शन हम समझ लेते। देखिए डोर स्विच से में हमने न्यूट्रल अभी कनेक्ट किया है, डोर स्विच के न्यूट्रल से होता हुआ एक तार यहाँ पे हमने निकाला है, और इसे ले जाकर स्पिन टाइमर के किसी भी एक वायर में हमें कनेक्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं डोर स्विच का कनेक्शन हो चुका है, स्पिन टाइमर में हमारा न्यूट्रल अभी आ चुका है। स्पिन टाइमर बेसिकली NC होता है, जैसे इसका टाइमिंग कंप्लीट हो जाता है तो ये कटअप कर देता है, तो NC NO हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमारी सप्लाई आ चुकी है स्पिन टाइमर में। अब जितना टाइम यहाँ पे सेट होगा 15 मिनट 25 मिनट 45 मिनट उतने टाइम तक सप्लाई कंटिन्यू जाती रहेगी। जैसे ही टाइमिंग कंप्लीट हो जाएगा स्पिन टाइमर इस सप्लाई को कट कर देगा। तो देखिए स्पिन टाइमर से होता हुआ यहाँ से एक वायर हमें लेना है और इसे स्पिन मोटर के कॉमन में कनेक्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमारे स्पिन टाइमर का कनेक्शन हो चुका है, डोर स्विच का कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है, और स्पिन मोटर में यहाँ पे न्यूट्रल आ चुका है और कैपेसिटर के वायर भी आ चुके हैं, और वॉश मोटर में भी न्यूट्रल एंड कैपेसिटर के तार आ चुके हैं। अब दोनों मोटर में हमें फेज कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले हमारा जो फेज आता है वो सबसे पहले फ्यूज में आता है, ताकि जब भी कोई शॉर्ट सर्किट हो तो उस कंडीशन में यहाँ से फ्यूज बर्न्ड हो जाए, और फ्यूज के बाद हमें एक वायर ले जाकर इसे ले जाकर हमें कनेक्ट करना है स्पिन मोटर के रनिंग वाले टर्मिनल में। ध्यान रखिए स्पिन मोटर के रनिंग टर्मिनल में हमें इसे हमेशा कनेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं हमारे स्पिन मोटर का कनेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, इसे फेज भी मिल चुका है, न्यूट्रल भी मिल चुका है, कैपेसिटर का कनेक्शन भी हो चुका है।
अब हमें फेज यहां से ले जाकर सबसे पहले वॉश टाइमर में कनेक्ट करना है, क्योंकि वॉश टाइमर के जरिए ही अलार्म में भी जाने वाला है एंड वॉश मोटर में भी जाने वाला है। तो सबसे पहले हमें फेज को ले जाना है और उस फेज को ले जाकर हमें टाइमर के येलो तार में कनेक्ट कर देना है। तो देख सकते हैं टाइमर में फेज अभी आ चुका है। अब यहाँ पे एक पर्पल तार है, एक ब्लू तार है, तो इनमें दो तार हमारे वॉश मोटर में जाने वाले हैं, जो कि आपको स्टार्टिंग एंड रनिंग में, तो आप किसी भी तार को स्टार्टिंग एंड किसी भी तार को रनिंग में कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी मोटर की डायरेक्शन कंटिन्यू चेंज होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो यहाँ से हमने एक वायर को लिया, ऐसे स्टार्टिंग में कनेक्ट कर दिया है, और एक वायर को लिया, ऐसे हमने रनिंग में कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे जो आपका यहाँ पे या तो पिंक तार होगा या फिर यहाँ पे आपको रेड तार दिया गया होगा, तो ये आपका अलार्म के लिए फेज होने वाला है। सपोज आपके कपड़े धुलकर कंप्लीट हो गए, चाहे वो 15 मिनट हो, 25 मिनट हो या 45 मिनट हो, जैसे ही आपके टाइमर की टाइमिंग कंप्लीट हो जाएगी तो ये फेज यहाँ से निकलकर इस पिंक तार में आएगा और यहाँ से आपके अलार्म में फेज जाएगा, जिससे आपका अलार्म बजने लगेगा और आप समझ जाएंगे हमारे कपड़े धुल चुके हैं। तो इस तरह आप गोदरेज वॉशिंग मशीन कंप्लीट वायरिंग कर सकते हैं। इसके ऊपर जो ड्राइंग दी जाती है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, उसे समझना हर किसी पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं है, टेक्नीशियन काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं। चाहे आपको क्लियर हुआ हो गोदरेज वॉशिंग मशीन कंप्लीट वायरिंग किस तरह की जाती है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और प्रॉपर वर्किंग किस तरह होती है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, कोई डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें, हम पूरी कोशिश करें उसका जवाब दे सके। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।